वेलकम टू एसएससी में कराजे 9 जुलाई 2021। 9 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को कहाँ पर जिसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है हम अपने दिन की शुरुआत एक प्यारे से कोट के साथ में करते हैं, तो भाई देख लेते हैं आज का कोट क्या कहता है। आज का कोट है आप लोगों के लिए, कॉन्फिडेंस यह नहीं है कि लोग आपको पसंद करेंगे ही, कॉन्फिडेंस यह है कि जब वो आपको पसंद ना भी करें तब भी आप ठीक रहें। ठीक है, तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बंदा आपको पसंद नहीं कर रहा, कोई आपको आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा, तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप और ज़्यादा पॉजिटिव रहिए उस टाइम पर भी। तो चलिए आई होप आप सब लोग इस चीज़ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे। चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है हमारी पूरी टीम ने एक स्पेशल ई बुक को लॉन्च किया है जिसमें 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन का कंपाइलेशन है। यहाँ पर अगर मैं आपको बात बताऊँ साइंस की, तो साइंस के इसमें 20 सेट दिए हुए हैं। जनरल अवेयरनेस की अगर बात की जाए तो जनरल अवेयरनेस के भी 20 सेट हैं। जीएस वन लाइनर की बात करें तो जीएस वन लाइनर के 25 सेट हैं। साथ में मैं आपको बताऊं मैथ्स और रीजनिंग का, तो मैथ्स और रीजनिंग के 110 और 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट, साथ में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आई होप सब लोग इस ई बुक को ज़्यादा से ज़्यादा बाय करने का ट्राई करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के 6 बार के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो भाई इसका करेक्ट आंसर है वीरभद्र सिंह। जी हाँ, वीरभद्र सिंह इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। साथ में मैं आप लोग को बताऊं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का हाल फिलहाल में निधन हो गया। अगर उनकी उम्र की बात करें तो उनकी उम्र कितनी है, उनकी उम्र कितनी थी, उनकी उम्र थी 87 साल। जी हाँ, 87 ईयर उनकी एज थी। और अगर मैं बताऊं आपको वीरभद्र सिंह की, वीरभद्र सिंह जी का जो राजनीतिक करियर था वो काफ़ी लंबा रहा। 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वो रहे थे। ठीक है, और साथ में अगर हम लोग यहाँ पर देखें वीरभद्र सिंह जो थे वो साल 1983 से लेकर 1990 तक, साथ में 1993 से 1998 तक, और 1998 से 2003 तक, 2003 से 2007 तक, और 2012 से 2017 तक हिमाचल के मुख्यमंत्री भी रहे थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है वीरभद्र सिंह। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड, लेकिन उससे पहले आज के वीडियो को लेकर टारगेट की हम लोग अगर बात करें तो भाई आज के वीडियो को लेकर टारगेट है 2500+ लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने का ट्राई करेंगे। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो हाल ही में देश का नया शिक्षा मंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर मैं आपको बात बताऊं धर्मेंद्र प्रधान। जी हाँ, धर्मेंद्र प्रधान इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। साथ में अगर हम देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट मंत्रिमंडल ने 7 तारीख को किए गए फेरबदल में पहले से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और स्टील मंत्रालय संभाल रहे धर्मेंद्र प्रधान को अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी है। ठीक है, साथ में मैं अगर आपको बताऊं उन्होंने रमेश पोखरियाल निशंक की जगह ली है। और अगर मैं आपको बात बताऊं साथ में निशंक जो रहे हैं वो स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 7 जुलाई को इस्तीफा भी वो दे चुके थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, इसका करेक्ट आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से किस नए मंत्रालय का गठन किया गया है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूँ सहकारिता मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। मोदी सरकार ने एक नए मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का गठन किया है। नया सहकारिता मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक कानून और नीतिगत ढांचा प्रदान करने वाला है। चलिए अगर यहाँ पर हम लोग बात करें यह सरकारी समितियों को जमीनी स्तर पर पहुँचाने वाले एक सच्चे जन भागीदारी आधारित आंदोलन को मजबूत बनाने में भी सहायता प्रदान करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है सहकारिता मंत्रालय। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में किरण रिजिजू की जगह निम्न में से किसे नया खेल मंत्री बनाया गया है। तो यहाँ पर अगर मैं करेक्ट आंसर बताऊँ तो इसका करेक्ट आंसर है अनुराग ठाकुर।
अनुराग ठाकुर इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। यहाँ पर अगर हम इनके बारे में देखें तो मोदी सरकार ने किरण रिजिजू की जगह अनुराग ठाकुर को खेल मंत्री बना दिया है। अनुराग जो है वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। चलिए, खेल मंत्रालय के साथ उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को मतलब उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गई है। और अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, टोक्यो ओलंपिक से ठीक 16 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा बदलाव किया था। टोक्यो ओलंपिक इस साल 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच होने वाले हैं और भारत की ओर से 18 खेलों में 124 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई भी किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है अनुराग ठाकुर। चलिए देखते हैं आज का फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो विश्व जूनोस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 6 जुलाई। 6 जुलाई को हर साल इस दिन को मनाया जाता है। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, जूनोटिक रोगों के जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को ऑब्जर्व किया जाता है। और जूनोस संक्रामक रोग है, वायरस, बैक्टीरिया और परजीवी से होता है जो जानवरों से मनुष्यों में फैल सकता है। ठीक है, तो ये एक कॉम्युनिकेबल डिसीज है, जानवरों से ह्यूमंस में फैल जाती है वायरस, बैक्टीरिया और परजीवी के थ्रू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की यहाँ पर अगर बात करें तो भाई अगला प्रश्न है, मछली पालन किसानों को शिक्षित करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है मत्स्य। जी हाँ, मत्स्य इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। यहाँ पर अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊँ तो केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। उन्होंने हाल ही में ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु को लॉन्च कर दिया, बहुत अच्छी बात है। और इस ऐप के माध्यम से किसानों को स्वच्छ जल में मछली पालन के तौर तरीकों को लेकर आधुनिक जानकारी भी दी गई है। इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम ऐप का जो उद्देश्य है वो देश के जल कृषकों के लिए नवीनतम स्वच्छ जल कृषि प्रौद्योगिकी का प्रसार करना है। साथ में मत्स्य सेतु ऐप में प्रजातिवार, विषयवार और स्वशिक्षण ऑनलाइन पाठ्य सामग्रियां भी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? इसका करेक्ट आंसर है मत्स्य। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की यहाँ पर अगर बात की जाए तो भाई अगला प्रश्न है, फिलीपींस में मनीला के पास किस ज्वालामुखी के फटने की संभावना बताई जा रही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ताल। जी हाँ, ताल इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। फिलीपींस के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मनीला के दक्षिण में ताल ज्वालामुखी में सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन उच्चतम स्तर पर बताया जा रहा है, जिस कारण से वह कभी भी फट सकता है। चलिए, ताल ज्वालामुखी एक राष्ट्र में सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है, जो समय समय पर विस्फोटों और भूकंपों से भी प्रभावित होता है। साथ में मैं आपको बताऊं, यह प्रशांत क्षेत्र रिंग ऑफ फायर पर भी स्थित है, जो तीव्र भूकंपीय गतिविधियों का एक क्षेत्र भी माना जाता है। फिलीपींस के सभी ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो किस राज्य ने 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने कोविड महामारी के बीच 6 तारीख को 5 बड़े औद्योगिक कंपनी को मंजूरी दे दी है। इससे उड़ीसा में 1.46 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निवेश किया जाएगा, बहुत अच्छी बात है। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। उनकी अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय कमेटी बैठक में कमेटी ने 5 बड़े उद्योगों को पूंजी निवेश के लिए मंजूरी देते हुए वर्ष 2030 तक उड़ीसा को भारत का स्टील हब बनाने के मुख्यमंत्री के विजन को साकार करने की दिशा में भी यह बड़ा कदम बताया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। चलिए फटाफट से हम पिछले वीडियो का क्विक रिवीजन ले लेते हैं। यहाँ पर एक मिनट के अंदर अंदर मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना नई दिल्ली में शुरू की गई है। भारतीय वायुसेना 10 एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने वाली है। फोर कट्स रणनीति म्यांमार से संबंधित है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो गोमती नदी की जो लंबाई है वो 475 किलोमीटर है। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कल के प्रश्न का, तो कल का प्रश्न था आप लोगों का पंचमुली झील किस राज्य से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। जी हाँ, गुजरात इसका करेक्ट आंसर है। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। आज का क्वेश्चन है डैश को टोक्यो ओलंपिक में भारत का ध्वजवाहक चुना गया, तो ये चार ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। और हाँ, वीडियो के लाइक का टारगेट अचीव करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो के लाइक का टारगेट क्या है? वीडियो के लाइक का टारगेट है 2500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे बताना चाहती हूँ, पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ग्रुप मिल जाती है, वहाँ से प्लीज़ करके पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय एंड टेक केयर।